जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू फल बेचा करता था। एक दिन जब कालू शाम को फल बेचकर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता देखकर उससे कहता है, अरे तुम आ गई मायके से, चलो अच्छा हुआ। रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम ही अच्छे से करती हो। अब आ गई हो तो एक कप मेरे लिए चाय बना दो। तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पिए तो हफ्ते गुजर गए। कालू को अपनी पत्नी की तारीफ करता है लेकिन टुनटुनी गुस्से से फूट पड़ी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 190x8 कितने होते हैं। रानी तुम बंद करो मेरी तारीफ करना, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। दिन भर बस घर का काम करती रहूं। और एक तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है, दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठ कर मुझ पर हुक्म चलाते हैं। मुझसे घर के काम नहीं होते। कब से कह रही हूँ अलग घर ले लूं, पर नहीं, तुम्हें तो बिना अपने माँ बाप की नींद नहीं आती। अरे टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो अगर मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी सास ससुर हैं, उनके लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है। मैं कह देती हूँ, या तो तुम मुझे नया घर लेकर दो वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे भैया की 2-2 कोठियाँ खाली पड़ी है, बस मेरे कहने की देर है। टुनटुनी बड़बड़ाती हुई अपने काम में लग गई। तभी वहाँ डाल पर बैठे कालू के माता पिता चिल्लाते हैं, अरे ओ बहू, लगता है आज बारिश होगी। ना जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए। बाहर रखा सामान हटा दे। जाओ जाकर देखो, तुम्हारे माँ बाप का बुलावा आया है। कालू को अपने माँ बाप के पास जाता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश, इस मौसम में तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। इसी तरह सभी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक उनके घर का एक हिस्सा जिसमें माता पिता सो रहे थे वो गिर जाता है और कालू के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ बचाओ, कालू बेटा हमें बचाओ। ये क्या हो गया पिताजी, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको बचाता हूँ। माँ जी आप ठीक तो है ना। लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं देती। बेटा तेरी माँ को क्या हुआ, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टुनटुनी और कालू मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को मलबे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ ये क्या हो गया, माँ आप हमें छोड़कर क्यों चले गई। सुनिए जी, अभी रोने का वक्त नहीं है, जल्दी बाबूजी को बाहर निकालते हैं। ऐसा ना हो कि बाबूजी। अपने मुँह से अशुभ बातें मत निकालो, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। कालू को अपने पिता को भी मलबे से बाहर निकालता है लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। मैं तो बर्बाद हो गया, पिताजी भी नहीं रहे। टुनटुनी कालू को एक हिम्मत बनाती है। अब रोने से कोई फायदा नहीं जी, घर में पानी भर चुका है, जल्दी यहाँ से चलो। मैं नहीं जाऊँगा, मेरे माँ बाप मर गए, अच्छा हुआ तो मैं भी मर जाता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने माँ पिताजी को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं उनके साथ ही रहूँगा। नादान मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा। जो होना था हो गया, अब जल्दी चलो यहाँ से। किसी तरह टुनटुनी कालू को लेकर वहाँ से जाती है। फिर वो दोनों टूटे पेड़ की डाल पर बैठ कर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। टुनटुनी से डाल पर एक अंडा देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, वरना ये अंडा पानी में गिर जाएगा। कहाँ लेकर जाऊँ टुनटुनी, चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया इस बारिश में, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता, मैं कुछ करता हूँ। कालू अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है, तभी उसे दूर एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ दिखाई देता है। तू हिम्मत रख, हो गया इंतजाम, मैं अभी आया। कालू को तुरंत उस बड़े से अंडे के पास जाता है। वो एक शत्रुमुर्ग का पुराना अंडा होता है और अंदर से वो सूखा और खाली होता है। पुराना होने की वजह से वो एक सख्त पत्थर बन चुका था। कालू को उसमें खिड़की दरवाजा बनाकर उस अंडे का एक सुंदर घर बना देता है। फिर टुनटुनी और कालू कौवा अंडा घर में अपना अंडा रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। Yeah.
एक घने जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी और टुंटनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। कुछ दिनों पहले उनकी माँ को उस जंगल की मुखिया ने चोरी का आरोप लगाकर मरवा दिया था। अब वो मुखिया उन दोनों मासूम बहनों के पीछे पड़ा था। टूनी और टुंटनी दोनों बहनें बहुत डरी हुई थी। एक दिन टूनी अपनी बहन टुंटनी से कहती है, टुंटुनी दीदी, क्या वो जालिम हमें भी मार डालेगा? मुझे तो घर से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है। माँ को तो उसने मार डाला। क्या माँ ने सचमुच उस मुखिया के घर चोरी की थी? नहीं टूनी, हमारी माँ चोरी नहीं कर सकती। वो तो हमें शिक्षा देती थी कि चोरी नहीं करना चाहिए। फिर माँ चोरी कैसे कर सकती है? तब तक आप लोग कॉमेंट में बताएं 99 × 9 कितने होते हैं। जरूर उस मुखिया के घर किसी और ने चोरी करके हमारी माँ पर इल्जाम लगा दिया होगा। दीदी, कई दिनों से हम घर में छिप कर बैठे हैं। जो भी घर में माँ ने भोजन इकट्ठा किया था वो खत्म हो चला है। अब तो हमें घर से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमें तो रिस्क लेना ही होगा। हम दोनों कल सुबह जल्द ही भोजन लेने चलेंगे, पर तू एक बात याद रखना, रास्ते में कोई पक्षी मिले तो उससे तू बातें मत करना। हम जल्दी से जाएंगे और भोजन लेकर जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनें जैसे ही घर से भोजन की तलाश में बाहर निकलती हैं, कालू कौवा और उसका दोस्त उन दोनों बहनों को पकड़ लेता है। ये रही दोनों बहनें, चलो इन दोनों को लेकर मुखिया जी के पास। मुखिया जी हमें अच्छा इनाम देंगे, फिर हम इनाम के पैसों से पार्टी करेंगे पार्टी। नहीं नहीं कालू अंकल, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ तुम दोनों, तुम्हारी माँ ने चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जंगल में तुम दोनों उस अपराधी की बेटियां हो। इस जंगल में तुम जैसे अपराधियों का कोई काम नहीं। कालू कौवा और उसका साथी दोनों बहनों को लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया जी, ये रही उस चोरनी की बेटियां। इन दोनों को तुमने यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। कालू, तुम ऐसा करो, इन दोनों को ले जाकर जान से मारकर फेंक दो, फिर आकर अपना इनाम ले जाओ। दोनों बहनें रो रही थी, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आ रही थी। कालू उन्हें मारने के लिए ले जाने लगता है, तभी कालू के हाथों से दोनों बहनें छूट जाती हैं। टूनी जल्दी भाग, नहीं तो ये जालिम हमें फिर से पकड़कर माँ की तरह मार डालेंगे। दोनों बहनें अपनी पूरी ताकत लगाकर आकाश में उड़ जाती हैं और उड़ते उड़ते एक सुनसान जंगल में पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे। दीदी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता। थकी तो मैं भी हूँ टूनी, चल इसी जंगल में बैठकर थोड़ा समय गुजारते हैं, फिर आगे की ओर उड़ान भरेंगे। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बैठकर आराम करने लगती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। दीदी दीदी उठो, देखो शाम हो रही है, अगर हम लोग इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे तो रात में कोई जानवर आकर हमें खा जाएगा। टूनी, आगे उड़ने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, तू थोड़ी देर रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है, फिर टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चल हम लोग मिलकर इस गीली मिट्टी को इकट्ठा करते हैं और उससे अपना एक घर बनाते हैं। वैसे भी उस मुखिया की पहुंच से हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, यहाँ हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। दोनों बहनें गीली मिट्टी से अपना एक प्यारा सा घर बनाती हैं। इस तरह दोनों बहनें उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। जब उसका पति अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई। उसी समय से टुनटुनी जब भी आकाश में बिजली चमकते देखती तो डर जाती। एक दिन टुनटुनी आकाश में काले काले बादल को देखकर डर जाती है। हे भगवान, आज आकाश में काले काले बादल छाए हैं, लगता है तेज बारिश होगी। मैंने अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की, अगर मेरा घोंसला बारिश में टूट गया तो। पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, चल मैं तुझे तेरी बुआ के घर छोड़ कर आती हूँ, फिर घोंसले की मरम्मत करूँगी। मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं
मैं भी आपके साथ घोंसले बनाने में आपकी मदद करूंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23-15 कितने होते हैं। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरी मदद करना। अब जल्दी चलो, बारिश होने ही वाली है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर पास वाले जंगल में उसकी बुआ के घर पहुंचती है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लूसी दीदी, ओ लूसी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज लगाती है पर लूसी कबूतरी दरवाजा नहीं खोलती। तभी टुनटुनी की नजर लूसी के दरवाजे पर बंद ताले पर जाती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा है और मैं पागल की तरह तेरी बुआ को आवाज दे रही हूँ। मम्मा चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वापस अपने घर लौटने को होती है तभी बारिश और तेज होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है। दोनों माँ बेटी भागकर पास वाले घर में जाती है। वो घर कालू का था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। कालू जी जरा जाकर देखो तो इतनी तेज बारिश में कौन है। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है और टुनटुनी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी जी एक चिड़िया है, बारिश रुकने तक रहने के लिए जगह मांग रही है, क्या कहती हो। कालू जी रुको, मैं अभी आती हूँ, कौन कमबख्त बारिश में आया है। क्या है चिड़िया, मैं अपने घर में किसी अनजान को आने नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बेटी पर तरस खाकर मैं तुम्हें थोड़ी जगह दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए किराया देना होगा। ठीक है बहन, ये मेरे पास भोजन की पोटली है, इसे आप ले ले और बारिश रुकने तक मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। सुंदरी भोजन की पोटली लेकर उसको उसकी बेटी को रहने के लिए अपने घर के अंदर जगह दे देती है। हे भगवान, जल्दी से ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी टुनटुनी के पास आती है और कहती है, ए चिड़िया जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन सुंदरी बहन, बारिश अभी तक रुकी नहीं है, मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगी। अच्छा तो आज का किराया दो, फिर मेरे घर रहो। पर सुंदरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। सुंदरी टुनटुनी और उसकी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल देती है और तेज बारिश में दोनों भीगने लगती हैं। तभी वहाँ हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है।